नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी पीट। फतेह को तेजो का सच बताने के बाद सिमरन लगाएगी जैस्मिन की भीवाट, सुनाएगी उसे खरी खोटी। जी हाँ, सिमरन के आने के बाद शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल, आप सबने तो अभी प्रोमो में ही देखा है कि किस तरीके से आ गई है सिमरन घर में फतेह को सच बताने के लिए। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा ये शो, क्योंकि अब सिमरन के आने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है शो में। वेल, आप देखेंगे कि फतेह का सारा सच बताने के बाद, जहाँ एक तरफ फतेह को समझ नहीं आएगा कि वो करे भी तो क्या करे, वो जाकर तेजो से माफी मांगेगा, तो वहीं पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पूरे बवाल की जड़ जैस्मिन को सिमरन छोड़ देगी। यकीनन फतेह की सिमरन भी जैस्मिन की बोलती बंद करने वाली है, बताने वाली है कि वो कहीं भी नहीं टिकती अपनी बहन तेजो के सामने। बताएगी कि कैसे तेजो घर संभालना जानती है, बताएगी कैसे तेजो ने ये पूरा घर संभाला है। फतेह की दीदी जैस्मिन की बात सुनकर जैस्मिन के होश उड़ने वाले हैं। वैसे जैस्मिन को इस बात की तसल्ली हो चुकी थी कि चलो कम से कम फतेह का ध्यान तेजो ब्रूजो पर ही था, और कहीं ना कहीं से उसे इस बात की खुशी भी थी कि फतेह तेजो पर शक करता है ब्रूजो को लेकर। लेकिन अफसोस, यहाँ तो सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो अब जैस्मिन का जो ये प्लान था वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। और यहाँ पर सबको सामने आ चुका है कि तेजो ब्रूजो के बीच कुछ भी ऐसा नहीं जैसा फतेह सोच रहा है। अब फतेह ये जानकर पूरी तरीके से टूट जाएगा, तो वहीं पर जैस्मिन की भी हवा टाइट होने वाली है, क्योंकि सिमरन दी बहुत ही ज्यादा बोलती नजर आने वाली है जैस्मिन को। और अब इसके बाद यही सब कुछ होने वाला है, और अब यही सब होने वाला है कि जैस्मिन फतेह को लेकर कनाडा चली जाएगी। और जैस्मिन को ये बात अच्छी तरह से पता ही है कि फतेह उसके जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है, ऐसा जाल जिसमें से निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिलहाल इंटरेस्टिंग होता जा रहा है उड़ारिया का हर एपिसोड, और आपको बता दें कि 24 सितंबर को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। क्या कुछ देखने को मिलने वाला है ये आप आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, वो आपको आज से ही धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। इस वीडियो में बस इतना ही।